बहुत दिनों पहले मैंने एक किताब पढ़ा था जिसका टाइटल था हवा का क्या करोगे। बड़ा ही चौंकाने वाला टाइटल था और उस समय समझ नहीं आया कि बात क्या हो रही है। आज के जो हम हालात देख रहे हैं इस दुनिया के, उसको देख के सचमुच ऐसा लगता है कि आप हवा का क्या करोगे। पॉल्यूशन लेवल्स इतने बढ़ गए हैं कि समझ नहीं आता कि आदमी क्या करे। और अब मुझे वो बार बार टाइटल याद आती है, हवा का क्या करोगे। हमें कई बार रियलाइज़ नहीं होता है कि सचमुच ऐसा क्या हो गया, लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने ख़राब सिचुएशन में रह रहे हैं और आगे ये सिचुएशन और भी ख़राब होने वाली है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जाड़ों में पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाता है, एब्सोल्यूटली इनटॉलरेबल। मैं आपको एक ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो गया है हवा का। इस दुनिया में 92% जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सेफ्टी लिमिट है हवा की, उस क्वालिटी से बिलो क्वालिटी के हवा में रह रही है। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बाकी 8% हैं उसमें हम नहीं है। पूरी दुनिया में तकरीबन 70 लाख लोग हाउस होल्ड और एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन से मरते हैं। 70 लाख। एयर पॉल्यूशन सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी कॉज है आफ्टर मैल न्यूट्रिशन, जिससे पब्लिक हेल्थ खराब होता है, और अबाउट 30% प्री मैच्योर डेथ्स पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ये बड़ा ही हैरत वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा 15 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें से 14 भारत में है। आप लिस्ट देखना चाहेंगे, ये रहा लिस्ट। नंबर 1 पे कानपुर, 2 फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, 6th प्लेस पे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर में दिल्ली का पॉल्यूटेड एयर चला जाता है और एक बार वादियों में ट्रैप हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाता है, श्रीनगर। 11th में गुड़गांव, जयपुर, पटियाला, जोधपुर, और 15th में कुवैत का एक शहर आता है। अगर हम वर्ल्ड पॉल्यूशन मैप देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कितने ख़राब स्थिति में जी रहे हैं। इस मैप में जो ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी कलर के पार्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, और आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इंडिया ज़्यादा पॉल्यूटेड वाले उसमें है, पूरा का पूरा वो कॉफ़ी कलर में है। और ये पॉल्यूशन है किस चीज़ की? ये पॉल्यूशन है PM2.5 की। PM2.5 क्या होता है? PM stands for particulate matter, 2.5 stands for 2.5 micrometer. एक माइक्रोमीटर एक मीटर का 10,000,000वां भाग है। समझ नहीं आया? मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपना एक हेयर लें, उसका डायमीटर जो भी देख रहे हैं आप वो तकरीबन 100 माइक्रोन का होता है। उससे उसको 40 इक्वल पार्ट में काट दें, एक पार्ट जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं हमारे सांसों के थ्रू जाते हैं और हमारे लंग में सेटल हो जाते हैं, हमारे लंग में सेटल हो जाते हैं। अब PM2.5 का सेफ लिमिट क्या है, क्या हम जानते हैं? PM2.5 का सेफ लिमिट है 10 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से जैसे ही ये बढ़ेगा, ये हेल्थ को और लंग को थ्रेटन करना शुरू कर देगा। पूरी दुनिया में 4.1 मिलियन डेथ्स, मतलब 41 लाख डेथ होते हैं PM2.5 के एक्सपोजर से। और ये अल्कोहल, एक्सरसाइज न करने और हाई सोडियम को लेके मरने वाले जितने लोग हैं उससे ज़्यादा है। और ये पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है, आइए देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को, जो कि अपने बॉडी वेट के हिसाब से एक एडल्ट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा
ऑक्सीजन लेते हैं, और 6 साल के बच्चे जो एक एडल्ट के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। पूरे इंडिया में, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, पूरे भारत में तकरीबन 47 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो क्रॉनिक अस्थमा से ग्रसित हैं, दमा के मरीज हैं, और तकरीबन 10 से 15% जो सारे बच्चे हैं उनमें से 10 से 15% इससे अफेक्टेड है। दिल्ली का हर एक तीसरा बच्चा ऐसा है जिसके लंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 35 मिलियन, इंडिया में 35 मिलियन, 3.5 करोड़ एस्थमा के क्रोनिक पेशेंट्स हैं, और 5 से 11 साल के बच्चों में से कम 10 से 15% बच्चे इससे अफेक्टेड हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात है जो हमें समझ में आती है, वो ये है कि पूरे भारत में 32 लाख लोग जो डायबिटिक हैं वो नहीं होते अगर पॉल्यूशन नहीं होता, उनकी डायबिटीज़ पॉल्यूशन से लिंक्ड है। पूरी दुनिया में 13 लाख लोग जिनकी उम्र 50 से 69 साल है, उनका डेथ PM2.5 के एक्सपोजर से हो जाता है। एक और हैरतअंगेज चीज़ जो अभी पता चल रही है वो ये है कि औसत एक इंडियन के लाइफ में से 1.5 ईयर्स कम हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन ध्यान रहे, हमें बहुत कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये एवरेज है। मतलब इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल कम हो रही है, और जंगलों में रहते हुए ऐसे आदिवासी भी हैं जिनकी उम्र बिल्कुल भी पॉल्यूशन की वजह से कम नहीं हो रही है। अब हम में से कितने लोग कार से ट्रैवल करते हैं, और क्यों कार से ही क्यों ट्रैवल करते हैं, ऐसे पैदल क्यों नहीं, ऐसे ऑटो या मोटरसाइकिल से क्यों नहीं? तो लोगों का ये कहना होता है कि मैं अपनी कार को ड्राइव करना एंजॉय करता हूँ। कार के अंदर एसी चल रही होती है, रेडियो चल रहा होता है, और बच्चे उसको बहुत एंजॉय करते हैं। कार हमारा बिल्कुल सेकंड होम है, और हम सीट बेल्ट बांध के चलते हैं, और हम कार में सेफ महसूस करते हैं। कार में एसी चल रही होती है और वो बंद होता है तो हम डस्ट और पॉल्यूशन से बच जाते हैं। लेकिन क्या आप सही बोल रहे हैं? एक स्टडी में पाया गया है, ब्रिटिश इन्वायरमेंटल ऑडिट कमेटी की स्टडी है, वो कहती है कि आपके कार में बाहर के वनस्पति कंपेयर टू आउटसाइड जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम से कम 15 गुना ज़्यादा है। और अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, आसपास आपके और भी कार्स खड़ी हैं, तो ये लेवल 29 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। आपकी कार के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 21% ज़्यादा होता है बाहर से। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक कार्सिनोजेन है, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है। आपकी कार में है कौन सी चीज़ें जो पॉल्यूशन कॉज कर रही है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें प्राइम फर्स्ट पे आता है PM2.5 जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, मैं बताऊंगा वो कहाँ से आता है। इसमें TVOC है, टोटल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें एलर्जेंस हैं जो आपको एलर्जी कॉज करते हैं और आपको एस्थमेटिक बना सकते हैं। इसमें महक होती है बहुत तरह की, और बहुत तरह के हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। हार्मफुल केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, वो पर्टिकुलेट मैटर हो सकता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, वो एरोमेटिक्स हो सकता है, वो हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, और ये सारे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। इसके साथ कुछ ऑडर हो सकते हैं, महक हो सकती है, वो सिगरेट की महक हो सकती है, पेट्स की अपनी एक पिक्चुलियर महक होती है वो हो सकती है, या हमने अगर कोई खाना खाया है, कोई स्नैक्स खाया है, उसकी महक हो सकती है। इसके साथ साथ एलर्जेंस हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो कोई फंगाई हो सकते हैं, वो मॉल्ड्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। इसके बाद
फॉर्मल्डिहाइड जो मैंने कहा था बाद में डिस्कस करूँगा, अगर आपके पास कार एयर फ्रेशनर है तो उसकी जो महक है उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड है, और हमारे सीट्स पे, हमारे जो सीट्स को चिपकाने के लिए एडहेसिव्स यूज़ हुए हैं वहाँ से बहुत सारे वॉलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं जो कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग है। अब इनके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं? PM2.5 का शॉर्ट टर्म इफेक्ट है कि यू मे हैव अ रनिंग नोज, आपको लगता है अचानक से सर्दी हो गई, मैं तो बिल्कुल सेफ सा था, ठीक था, ये हो सकता है आपकी कार से आ रहा हूँ। और इसके अलावा आपको छींकें आ सकती हैं, आपको एस्थमेटिक अटैक आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपके लंग में खराबियाँ आ सकती हैं, और वर्स्ट केस में ये लंग कैंसर बन सकता है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, जो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर एस्थमा और ब्रोंकाइटिस आते हैं, वो इससे हो सकते हैं। तो नेचुरल है कि हमारे एक क्वेश्चन होगा कि हम क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं। तो मैं आपको बताता हूँ, एटमॉस्फेयर ड्राइव जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है और अभी तक 40 मिलियन पीसेस बेच चुकी है। इसकी परफॉर्मेंस अनमैचेबल है, ये वाइड रेंज इफेक्टिव है, 13 डिफरेंट गैसियस सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब करती है, और 327 पैथोजेंस जो आपको कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं और पार्टिकुलेट मैटर को अब्सॉर्ब कर लेती है। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसका CADR क्लीन एयर डिलीवरी रेट 30 m³ पर आर है। इसकी जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत ही फाइन बनाई गई है, यहाँ पे हम 2.5 माइक्रोमीटर पे ही नहीं रुकते हैं, हम डाउन टू 0.015 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर लेते हैं। और ये वर्ल्ड में अकेली कार एयर प्योरीफायर है जिसको एलर्जी UK का सील ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये कार एयर प्योरीफायर करता क्या है, ये 8 एलर्जेंस को कम करता है जिसमें हाउस डस्ट हो सकते हैं, वो फंगाई हो सकते हैं, वो मॉल्ड्स हो सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड हो सकते हैं, और बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसका जो फिल्टर है वो 3-स्टेज फिल्टर है और बड़ा ही कन्वीनियंट फिल्टर है, वो पार्टिकुलेट मैटर को भी फिल्टर करता है, वो ऑर्डर को फिल्टर करता है, और वो वॉलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी फिल्टर करता है। इसमें एक पहले तो प्री फिल्टर है जो लार्ज कंटामिनेंट्स हैं, लार्ज पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जैसे कि डस्ट और हेयर, उनको ट्रैप कर लेता है। उसके बाद एक पार्टिकुलेट फिल्टर लगा हुआ है जो छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर करता है अप टू 0.015 माइक्रोमीटर, और उसके बाद एक कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर लगा हुआ है जो और दूसरे कंटामिनेंट्स, महक और गैसेस को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी सेंसर टेक्नोलॉजी ऑटो मोड में ऑपरेशन करवा सकती है, जब एयर ज़्यादा पोल्यूटेड होगा और आपने इसे ऑटो मोड में रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये अपनी स्पीड को तेज कर लेगी, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलेगी। जब इसको लगता है कि इसने एयर साफ कर लिया है और अब इतनी तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपने स्पीड कम कर लेगी। रियल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, अगर एयर की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो तीनों LED जल रहे होंगे और उसका रंग लाल होगा, अगर मॉडरेट है तो 2 LED चल रहे होंगे और उसका कलर ऑरेंज सा होगा, और अगर ये सेफ लेवल पे आ गया है तो 1 LED चल रहा होगा और उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये आपके कार के अंदर विजिबली आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। जो स्मार्ट चिप टेक्नोलॉजी है वो नंबर ऑफ आवर्स और फिल्टर चोक होने को ट्रैक करती है, और जब फिल्टर चोक हो जाता है तो आपको एक वार्निंग दे देती है। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई अगर काउंटरफीट, कोई फेक प्रोडक्ट आपको बेच देता है या लगा देता है तो ऑटोमेटिकली ये उसको डिटेक्ट कर लेगी और चलने ही नहीं देगी। नॉइज़ की बात करें, साउंड की बात करें, तो हर एक आदमी को कार के अंदर क्वाइट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो ये बिल्कुल नॉइसलेस है और मैक्सिमम
जब ये मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा होता है, जो कि स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में होता है, और ये हम आपको डेमो में दिखाएंगे, उस वक्त इसका मैक्सिमम नॉइज लेवल 55 डेसिबल होता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही स्लीक है, ऑपरेशन बहुत ही इंट्यूटिव है, ऐसा है कि आप इसको कहीं से कहीं कैरी कर सकते हैं अपने साथ, किसी भी अगर आप टैक्सी में भी बैठ रहे हैं तो भी प्लग इन कर दें, ऑब्वियसली उसको बाद में ले जाना ना भूलें। अब चूंकि हमने इसके इतने फीचर्स बताए हैं, तो मैं आपको रियल डेमो करके ये दिखाऊंगा कि ये रियली कितना इफेक्टिव है, और इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर एक कार में जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर द डेमो ऑफ द प्रोडक्ट। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम एटमॉस्फेयर ड्राइव का डेमो देखते हैं। हम अभी गुड़गांव में हैं, इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, ये बगल में पार्क है और उसके साइड रोड पे हम खड़े हैं। हमने जो गाड़ी सेलेक्ट किया है डेमो के लिए वो मर्सिडीज ई क्लास है। इस लेवल पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पोल्यूशन लेवल क्या है। हमारा सेफ लेवल 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और अभी हम देखते हैं कि अपना सेफ लेवल क्या है। लेट्स कम। तो हम देखते हैं कि PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। आप अभी देखेंगे तो ये 39-40 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। हमने देखा था कि हमारा जो सेफ लिमिट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और अभी जो ये लेवल दिखा रहा है वो है 39 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सेफ लेवल से हम अभी भी बहुत ऊपर हैं, और ये तब जब अभी यहाँ पे बारिश का मौसम है और कुछ ही देर पहले बारिश हो चुकी है। अब अगर ये 50 को क्रॉस कर जाता है तो ये रियल हेल्थ हजार्ड है, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर ये 10 से बढ़ता है, 50 से 60 भी हो जाता है, तो हमारे लंग कैंसर होने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं, राइट? अब हम देखेंगे कि कार के अंदर ये कार, ये जो प्योरीफायर है कार के अंदर, ये जो प्योरीफायर है वो कैसे इसको एयर को प्योरीफाई करता है, राइट? लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जब ये गाड़ी जिसकी एमिशन नॉर्म्स बड़े अच्छे हैं, उसके एग्जॉस्ट के पास हम इसको रखते हैं, तो PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बढ़ के। सो लेट्स गो। ये कार को हमने अभी स्टार्ट कर दिया है और मैं इसके एग्जॉस्ट के पास बैठा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे एमिशन क्या है, एमिशन लेवल। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ एम्बियंट PM 2.5 लेवल दिखा रहा है 37, ओके? अब मैं इसको जब यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है जहाँ से धुआं आ रहा है, यहाँ पे मैं वार्म्थ फील कर सकता हूँ, यहाँ पे हमने रखा है, ये देखिए इसकी वैल्यू 329, 385, 445, 514, 683, 739, 793, 830, 896, 940, 988, 999, ये 1000 को क्रॉस कर गया, इसकी लिमिट 1000, 980, यहाँ पे ये 980 दिखा, क्यों दिखा रहा हूँ? मैं चाहता हूँ आपको ये समझाना कि ये इसका सोर्स है। ये अलग बात है कि अभी यहाँ पे एक कार चल रही है, तो ये जो पॉल्यूटेंट है ये पूरी तरीके से डिफ्यूज़ होता जा रहा है, इसलिए आपको बाहर में जो एम्बियंट दिखाई दे रहा है वो करीब 37-38 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसी 100 कारें एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी हुई हों, वेट कर रही हों, फिर क्या होगा? उनका डिफ्यूजन रेट उतना फास्ट नहीं होगा, और ये लेवल डेंजरसली हाई लेवल पे चला जाता है, राइट? अब हम कार के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल क्या है और ये मशीन उसको कैसे कम करता है। सो लेट्स कम इनटू द कार। तो अब हम कार के अंदर हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि मशीन की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। यहाँ पे अभी जो PM 2.5 लेवल है उसको हम देखते हैं, वो है जैसा कि आप देख सकते हैं 14-13 के आसपास वेरी कर रहा है। अगर ये कार अभी थोड़ी देर ट्रैफिक के अंदर खड़ी रहे तो ये PM 2.5 का लेवल एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ जो आप शायद फील नहीं कर पा रहे हैं और मैं उसको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, इसके अंदर पेट्रोल की महक ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो भर ही रहा है। अब हम देखेंगे कि जब हम मशीन को प्लग इन करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, और उसके पहले
हम पहले थोड़ा इसके पीएम 2.5 के लेवल को बढ़ा लेंगे आर्टिफिशियली, और वो हम करेंगे एक अगरबत्ती जला के। फाइन, हमने अगरबत्ती जला दी है, और अगरबत्ती जलाते के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। वो अभी 482, 513, 576, 608, 642, 730, 740, और अब हम फील कर रहे हैं कि थोड़ा सफोकेशन सा होता जा रहा है। 733, 49, फाइन। ये थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट होता है कार में, तो कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, बट अभी ये लेवल 819, 836, 851, 874, 891, 911, 899, 915, 925, 934, 932, फाइन। तो हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स डिपॉजिट कर दिए हैं, वो चारों तरफ एयर में फैल रही है, और अब हम मशीन को प्लग करके पहले इसको ऑफ कर देंगे और इस 930 लेवल से देखेंगे कि कैसे ये मशीन इसको एकदम से 2 से 3 मिनट में नीचे ले आती है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अगरबत्ती को। फाइन, इसने वो पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर जमा कर दिए हैं। फाइन, तो ये रही मशीन, ये रहा उसके वायर्स, और मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ। जैसा हमने बताया था कि ये बहुत ही सिंपल, इसको प्लग इन करना। ये रहा हमारे पास 12 वोल्ट का प्लग इन पॉइंट, इसको हमने इसके अंदर प्लग इन किया, इसको हमने इसके अंदर प्लग इन कर दिया। ये ब्लू लाइट जलाई, इसका मतलब ये इसको पावर दे रहा है। इसका जो एक एंड है, जो दूसरा एंड है, उसको हमें कुछ नहीं करना, हमें बस स्ट्रेट वे यहाँ पे एक जो होल है उसमें प्लग इन कर देना है ऐसे, एंड द डिवाइस इज़ रेडी टू गो। आप देख सकते हैं चूँकि पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है तो ये डिवाइस ऑलरेडी रेड शो कर रहा है, अब ये ऑरेंज शो कर रहा है, रेड शो किया इसने। फाइन, और इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, इस एंड से ये फ्रेश एयर दे रहा है और यहाँ से ये एयर को सक कर रहा है। ऑलरेडी जैसे ही ये चला हम देख रहे हैं कि हमारा पॉल्यूशन लेवल कम होता जा रहा है। ये अभी 700-800 के आसपास था, ये 638-635 अभी भी ये दिखा रहा है, ये LEDs दिखा रहे हैं कि एयर क्वालिटी इसके अंदर अच्छी नहीं है। और ये मीटर में हम देख सकते हैं कि ये घट के 607, 602, 599, 591, 578, 560, और इसको लगातार कम करता जा रहा है। पीएम 2.5 इसके फिल्टर्स अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं और इसलिए इसकी वैल्यू हमारे एम्बिएंट एयर में कम होती जा रही है, 513। और चूंकि इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट 30 मीटर क्यूब पर आवर है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट इसको कम करता जा रहा है। और अभी टाइम हुआ 518 जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तकरीबन 518 पे स्टार्ट किया था, और हम फिर देखेंगे कि टाइम कितना लगा इसको काम करने में। अभी ये 480 के लेवल पे है और ये यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज शो कर रहा है, 471, 465, 459, 443, यहाँ पे ये अभी फास्टेस्ट रेट पे चल रहा है, जहाँ पे इस ये 30 मीटर क्यूब पर आर का CADR दे रहा है, और ये यहाँ से लोअर वैल्यू है और ये एक ऑटो वैल्यू है। अगर इसको लगता है कि पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा चलाएगा, ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाएगा, और अगर ये लगता है कि कम है तो ये कम स्पीड पे चलाएगा।
वैल्यू ये कम करके 391 कर चुका है और अभी तकरीबन इसको 2 मिनट हो गए हैं। तकरीबन चलते हुए इसको 2 मिनट हो गए हैं। थ्री फिफ्टी वन, थ्री फोर्टी सिक्स, 319 और हम साफ महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर का जो एयर है वो थोड़ा क्लियर सा होता जा रहा है। हमने बताया था जब ये 800-900 पे था तो वो हैवीनेस हम फील कर पा रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी था वो एयर और अभी अभी ये 277 है, 274 और आप साफ देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्विकली इसको कम करता जा रहा है। 266 261 यहाँ अभी भी ऑरेंज लाइट है, ये इंडिकेशन बता रहा है कि इसका फिल्टर बिल्कुल परफेक्ट है। 111, 115, 112, 109 तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं इसको चले हुए, 3 मिनट। 100 अब हम 100 के बिलो आ रहे हैं, 97, 96, 95, 90, 90, 91, 90, 88, 86 हम ये देख सकते हैं ये इसका जो क्लीनिंग रेट है वो कितना फास्ट है। वी आर बिलो 80, 86, 79, 66, 63, 62 पे हैं। 79, 66, 63, 62 चूँकि कार की एसी भी चल रही है और सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इसलिए आपको कभी थोड़ा दिखाई भी देगा कि ये ऊपर जा रहा है, बट एज़ जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आता है ये उसको प्योरीफाई करके जो बाहर एयर निकालता है वो क्लीनर एयर निकालता है और वो PM2.5 फिर डिप हो जाता है। तो 58 वी हैव गॉन बिलो 60, हम धीरे धीरे जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उसकी तरफ आ रहे हैं। नाउ वी आर एट 54, 55, 53, 50, सो वी आर नाउ इन एन एक्सेप्टेबल लिमिट और मैं आपको बता सकता हूँ अंदर फील करके कि एयर की जो क्वालिटी है दैट हैज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड, बहुत ही बेहतर हो गया है, सांस लेने में आसानी हो रही है और ये अभी क्लीन करता ही जा रहा है। ये अभी 45 पे है, 44 एंड इट्स गोइंग डाउन, जब ये थोड़ा कम हो जाता है तो पार्टिकल्स इसके कॉन्टैक्ट्स में थोड़ा लेट से आती हैं, तो अभी ये 43 पे है, 42, फिर भी ये बहुत ही फास्ट इसके लेवल को नीचे लेता जा रहा है। हम 40 पे हैं, 41,
39, we have gone below 40. We are at 35, 35, 36, 33, 31, 30. अब हम 7 पे हैं, 7 ने पीएम 2.5 को घटा के 7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी लो वैल्यू. और हम कार के अंदर बिल्कुल इसको फील कर सकते हैं कि हाउ प्लेजेंट इट इज़. ये वैल्यू अभी 7 है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू अभी 7 है और हम एक्चुअली फील कर सकते हैं कार के अंदर कि हम कितना प्लेजेंट फील कर रहे हैं. This is a very very low value and absolutely safe. 10 microgram per meter cube की जो value थी उसके हम नीचे आ चुके हैं. We are the safest. अभी अगर मैं बोलूँ तो बाहर जाना ज़्यादा dangerous है, car ज़्यादा safe है. हमने पहले देखा था कि car ज़्यादा dangerous था, बाहर का जो ambient pollution था वो कम था. और ये magic, ये चमत्कार ये machine कर सकता है. And this is how we can save the health of our family, we can protect the health of our family, of our near and dear ones, and also our relatives and friends who understand this concept. Thank you very much for watching. Thanks a lot.